आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 41वें दिन भी जारी रहा। हाड़ कपा देने वाले इस सर्दी में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुलूस लेकर मेयर मधु आजाद के घर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 41 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को मान लिए जाने के बाद भी कार्यकर्ता धरने से उठने को तैयार नहीं है। तो वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की माने तो तालमेल कमेटी ने निर्णय लिया था कि जीजीपी और बीजेपी के सभी विधायकों, जिलाध्यक्षों, मेयर व पार्षदों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी को लेकर गुरुग्राम की मेयर को ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मेयर का घेराव करने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया था और मेयर के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कि मैम, आज आशा वर्कर आई थी, आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्या आश्वासन दिया, क्या मांगी थी इनकी? आज जो ये आशा वर्कर सारी इकट्ठी हुई हैं, बहुत सारी पूरे शहर जिले की इकट्ठी हुई हुई हैं, तो बस इनकी ये मांगे हैं कि हमें एक तो आउटसोर्स पे ना किया जाए जी, और हमारी जो सैलरी है वो बढ़ा दिया जाए स्केल जी, क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि थोड़ा सा इनका होना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि वर्क अच्छा करती है ये सारी। और जो भी इनकी मांग है, मैं अपने सीएम साहब से और अपने सांसद रविंद्र जी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं रविंद्र जी, उन तक ये बात पहुँचाऊँगी और भरकर कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मांगें मैं पूरी करा सकूँ। मेयर के घर का घेराव कर पहुंची आशा वर्कर की मांगों को मेयर मधु आजाद ने ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेगी, जिससे उनकी मांगें पूरी हो सके। तो वहीं मेयर के आश्वासन के बाद सभी कार्यकर्ता वापस लौट गए। इसके साथ बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की माने तो सरकार ने 2018 में उनकी मांगों पर गौर करते हुए मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार से एक ही मांग है कि उनकी बातों पर सरकार गौर करे। इसके अलावा हमारी मांग है कि सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे। वर्करों को 24,000 रुपये और हेल्परों को 16,000 रुपये तनख्वाह दी जाए, जो कि न्यूनतम वेतन है। इसके अलावा वर्कर को रिटायरमेंट पर 5 लाख व हेल्पर को 3 लाख रुपये सरकार 5 दौर की वार्ता कर चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो वहीं मंत्री कमलेश ढांडा ने घोषणा की कि आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ा गया है, लेकिन ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि हड़ताल में शामिल नहीं है। सरकार को इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। 24 घंटे ड्यूटी लेने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, जिसके चलते वह हड़ताल करने को मजबूर है। सांसद राव इंद्रजीत जी, मैं उनको भी आपकी मांगों के बारे में बताऊंगी और मुख्यमंत्री तक भी आपकी मांगें पहुंचाऊंगी, और मैं उनसे ये बोलूंगी कि भाई ये वो आपकी मांगों का जल्दी निपटारा करें। हमारा अगला स्टेप है कल, हमारा सुधीर सिंगला जी जो हमारे विधायक है, उनका घेराव है। हम पहले भी उनके यहाँ पर गए थे, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से चोरों की तरह भाग गए। हम ये पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि वो चोरों की तरह ऐसे भगोड़ों की तरह भागते क्यों? क्या हम कोई उग्रवादी है या आतंकवादी है? वो हमारी बातचीत सुनते नहीं। एक जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुन के यहाँ पे बैठाया है, तो इसीलिए ना कि वो जनता की समस्याएं सुने। हम यहाँ 40-41 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड में अपने घर बार को छोड़ के, और एक आंगनवाड़ी वर्कर के पास वर्कलोड इतना होता है, ये सभी को पता है। ये हमारी मेयर मधु आजाद भी बोल के गई है कि भाई मुझे आपकी उनका पता है कि आपके पास वर्कलोड कितना है। तो हम कल यही उम्मीद करते हैं कि या तो विधायक साहब हम CID के माध्यम से भी, और ये बताना चाहते हैं कि कल सिंगला साहब या तो हमारा ज्ञापन ले बाहर आए और हमारी मांगों को आगे तक पहुँचाए, नहीं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिर उनका आगे क्या करना है। हम कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के बाद भी आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस पर अपना क्या रुख अपनाती है और आंगनवाड़ी वर्कर कब तक हड़ताल पर डटे रहते हैं। अब तक ये बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।